हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत, आप सबका आपके चहिते सेक्स सेक्स सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज़ है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें जो जानकारी है, जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन जिसे हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर कहीं अवेलेबल नहीं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है इस वीडियो के लिए वो है सेक्स के अलग अलग पोजिशंस, जिसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में भी बात की थी। तो आज भी हम दो पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने सर अभी कहा, पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग लगातार सेक्स पोजीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। आज की जो सेक्स पोजीशन में पहले पूछने वाला जो जिसे कहते हैं सेक्स की द वैलिडेक्टेरियन के पोजीशन, तो ये पोजीशन सबसे पहले बताइए क्या होती है। श्योरली प्रशांत जी, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हमारे पब्लिक की डिमांड से। इसके अंदर सेक्स पोजीशन क्या रहते हैं, मेल के ऑर्गन जो इसके क्या डिफरेंट शेप्स है, मेल के है, फीमेल के है, ब्रेस्ट के अलग अलग आकार है, ये पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एक दायरे के अंदर हम दे रहे हैं। क्या दायरा है? टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, उसके साथ ही आज मनाएँ। भाई क्यों देखना इतने 476 पोजिशंस? वैलिडेक्टेरियन पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इसमें क्या रहता है भाई, वही मिशनरी करके सामने वाला पार्टनर बोर हो जाता है। क्या रहता है ये पोजीशन में? यहाँ पे फीमेल जो है लाइंग डाउन है, इनएक्टिव है। पहले मिशनरी पोजीशन में अपने पीठ के बल सोते हुए दोनों लेग वहाँ पे सेपरेट रहते हैं। उस पोजीशन में मेल पार्टनर यहाँ पे घुटनों के बल वहाँ पे थर्स्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। वही पोजीशन में अभी क्या चेंज करना है अपना मिशनरी से अलग से, तो यहाँ पे दोनों लेग पार्टनर के जो है फीमेल पार्टनर के उसे स्ट्रेट करके पूरे अपने बॉडी के ऊपर अपने कान तक लेके जाना है। इससे क्या होता है, कैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है? और ये पोजीशन में मेल एक्टिव पार्टनर उसे थर्स्टिंग करता है। क्या फ़ायदा होता है देखेंगे। और शीघ्रपतन और जो बाकी समस्याएं हैं, शीघ्रपतन है, कमजोरी है, ऐसी समस्याओं में ये जो पोजीशंस है इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो वो इस पोजीशन में कैसे होता है? और जो ऑर्गेज्म है, तृप्ति हम जैसे कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट, उसमें कैसे काम आता है? और भी एक एडिशनल है इसमें जी, जिसको स्मॉल साइज पेनिस रहता है उसने क्या करना चाहिए? तो ये पोजीशन में क्या होता है डेफिनेटली देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों लेग ऊपर जाने की वजह से वजाइनल पार्ट और क्लैटोरिस ऊपर आ रहा है। इवन वजाना की डेप्थ भी यहाँ पे शॉर्ट हो रही है। सो ये थर्स्टिंग में इवन स्मॉल पेनिस वाले पोजीशन में भी CAT क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक ए मेथड से वहाँ पे सिर्फ पेनिट्रेट करके ही अप एंड डाउन मोशन नहीं करना है, तो अप एंड डाउन के साथ रबिंग मोशन, जिसके अंदर की स्लाइडर के जैसा वहाँ पे क्लैटरल रीजन पे और वजाइनल वॉल रीजन पे यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, जो अपना पूरा जी पॉइंट और सराउंडिंग जो नर्व्स है वो प्रेशर से स्टिमुलेट होते हैं और वहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन, ऑर्गेजम और दोनों को भी एक प्रकार का ड्यूरेशन बढ़ाने में मदद होती है। और ये फायदा है ये वैलिडेक्टेरियन पोजीशन का। बिल्कुल सर, हमारे ऑडियंस भी हमारे साथ है, वो भी सवाल करना चाहते हैं। महेंद्र जी है सोलापुर से, उनका सवाल है। महेंद्र जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलो सर। आदमी ने एक में सेक्स पोजीशन कितनी बार बदलनी चाहिए? ये देखो इतना डिस्कशन बढ़िया चल रहा है। भाई पोजीशन कब बदलोगे भाई, चलेगा लंबा तो। आइडियली क्या रहता है, मैं सबको बोलता हूँ यहाँ पे साइंटिफिक मेथड से फोर प्ले 10 या 15 मिनट का फोर प्ले, जिसमें आपका ओरल हो या वहाँ पे कुछ मास्टरबेशन हो पार्टनर के हाथ से विथ लुब्रिकेंट, या एक्चुअल पेनिट्रेशन के बाद में होने वाला 15 मिनट्स का एक्ट है। हाफ एन आवर पकड़ लिया। यहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हो मिशनरी पोजीशन में, वहाँ पे आप समझो 2-3-4 मिनट परफॉर्म करोगे, उसके बाद उसी को तुम एक्सटेंड करके कम से कम 4 या 5 पोजीशन बदल सकते हो। लेकिन डिपेंड कब, बहुत बार चेंज ऑफ पोजीशन मेल ऑन टॉप या फीमेल ऑन टॉप भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका स्टैमिना, ड्यूरेशन और इजैकुलेशन कम से कम 20 या 30 मिनट तक मेंटेन रहना चाहिए। सर ये जो वैलिडिक्टोरियन पोजीशन जिसे हम लोग अभी बात डेफिनेटली, तो ये मसल्स के ऊपर भी इफेक्ट करती है, मसल्स मजबूत होना ये काम करती है। तो ये कौन से ऐसे मसल्स ग्रुप है जिसे स्ट्रॉन्ग करती है? डेफिनेटली, अभी जो पोजीशन में डिस्क्राइब किया उसके हिसाब से बोलता हूँ भाई, दोनों ये देखो फीमेल यहाँ पे इनएक्टिव है, लाइंग डाउन है, लेकिन दोनों लेग कितने स्ट्रेच हुए, कंधे के लेवल तक दोनों स्ट्रेट करके वहाँ पे मेंटेन रखना है 15-20 मिनट के लिए। ग्लूटेल मसल आ गए, यहाँ पे कटी जिन के मसल आ गए, हैमस्ट्रिंग आ गए, काफ मसल आ गया। और मेल में ये पोजीशन करते हो तो उसे अपने हाथों के ऊपर बाइसेप्स, ट्राइसेप्स उसे होल्ड करना है अपने बेड के ऊपर, और बाद में थ्रस्टिंग करना है और स्लाइडिंग मूवमेंट करते हो तो कोर मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। तो फिटनेस हो रहा है, कैलोरीज बर्न हो रही है और सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, ये सबसे बड़ा फायदा है। और एक पोजीशन के बारे में जानना चाहता हूँ, स्पोर्क पोजीशन जिसे कहते हैं। यस, ये स्पोर्क पोजीशन क्या होती है? काफ़ी बढ़िया पोजीशन आपने लाई है, बोलेंगे साइंस क्या है इसके बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो बहुत बार पार्टनर थक जाता है, थक के घर पे आ गया और आने के बाद उसे परफॉर्म करना है, सेटिस्फाई करना है पार्टनर को। स्टैंडिंग में तो भाई थक जाएगा बहुत जल्दी। इस स्पोर्क पोजीशन में क्या होता है, फीमेल लाइंग डाउन है, लाइंग डाउन पोजीशन में वन साइड का लेग जो है थाई उसे एलिवेट करके यहाँ पे 90 डिग्री एंगल में मेल पार्टनर अपने दूसरे हाथ के बल सपोर्ट करके 90 डिग्री एंगल में वहीं पे लाइंग डाउन में वहाँ पे थ्रस्टिंग करते वक्त इधर का जो राइट लेग है वो कंधे के ऊपर रहता है और दूसरा जो लेग है मेल पार्टनर का ये मेल पार्टनर के दूसरे पाँव के ऊपर सपोर्ट करके जगह पे ही थ्रस्टिंग करके ये पोजीशन काफ़ी अच्छी तरह से पार्टनर थका हुआ भी हो तो बहुत अच्छी तरह से एक्ट करने के लिए मदद करता है और सेटिस्फेक्शन भी कैसे देता है देखेंगे। और बिल्कुल सर, हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस है वो भी हमारे साथ है और वो भी सवाल करना चाहते हैं। भावनगर से केतकी है, उनका सवाल है। केतकी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका, बोलिए। बोलो सर, लुब्रिकेंट का सेक्स पोजीशन बदलने में क्या फायदा होता है तो जानकारी दीजिए। क्या बात है, नए नए टॉपिक हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल भाई, हमें भी ध्यान में नहीं भाई लुब्रिकेंट यहाँ पे यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है, लेकिन नॉलेज है। लेकिन जब आप पूछेंगे तो पता चलेगा ना क्या होता है। भाई तुम पोजीशन बदल रहे हो हर वक्त, भाई 15-20 मिनट परफॉर्म करना है। नेचुरल लुब्रिकेशन भाई फॉर प्ले में आ गया, उसके बाद में एक पोजीशन में एक्ट किया, ड्राइनेस आ जाता है, एटमॉस्फेयर का इफेक्ट है, एसी होगा, फैन होगा, उसके इफेक्ट से भी फिर वही पोजीशन में कंटिन्यू करना पेनफुल होता है। तो जब फीमेल ऑन टॉप आ जाती है उस वक्त वहाँ पे कुछ लुब्रिकेंट है, ऑयल बेस है, वहाँ पे कुछ सिलिकॉन बेस है, वो यूज़ करने से फ्रिक्शन और पेन कम होता है। और जब ये ऐसे कोई फोर्क जैसी पोजीशन है या वेलेट्रेन पोजीशन है, वहाँ पे आपको जब स्लाइडिंग होना है उस वक्त लुब्रिकेंट या ऑयल की ज़रूरत रहती है। तो डेफिनेटली पोजीशन बदलने में लुब्रिकेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, मसल के बारे में अभी भी मैंने एक सवाल पूछा था, इस पोजीशन के बारे में भी वही सवाल पूछना चाहूँगा कि कौन से मसल्स ग्रुप है जो स्पोर्क पोजीशन से स्ट्रांग होते हैं। समझो यहाँ पे आपका इसका पूरा एक आप आँख के सामने एक अपीयरेंस निकालो, ठीक है भाई, यहाँ दोनों रिलैक्स हो लेकिन होल्ड करना है अपने बॉडी को। फीमेल का एक राइट पाँव जो है कंधे के ऊपर है मेल के, दूसरा पाँव दूसरे पाँव के ऊपर क्रॉस कर रहा है, मेल यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड वाले एल्बो से सपोर्ट कर रहा है अपने बेड के ऊपर और वहाँ पे ग्लूटियल रीजन से 90 डिग्री एंगल में उसे थर्स्ट करना है। कोर मसल, ग्लूटियल मसल, हैंड मसल, काफ मसल, बॉडी मसल सब स्ट्रांग हो गए, कैलोरीज बर्न हो गए, फिटनेस आ गया और आनंद वो तो अलग बात है। सर अक्सर आप कहते हैं कि सेक्स पोजीशन और फिटनेस इन दोनों का सीधा रिलेशन है। डेफिनेटली, तो ये पोजीशन जो अभी हमने देखी इसके बारे में क्या कहेंगे? श्योरली प्रशांत जी, जब हम देखते हैं ना एलोरा, जंटा, खजुराहो पे जब ऐसे अलग अलग पोजीशन तो लगता है भाई किसका पाँव तो यहाँ पे टूट गया। बिल्कुल, जो एक्सरसाइज करेगा फ्लेक्सिबल रहेगा, बॉडी की मूवमेंट रखेगा। वहाँ पे देखो वेलिडिक्टेन में यहाँ पे पूरा पाँव ऊपर जा रहा है, कितना स्ट्रेचिंग लगता होगा अपने हिप जॉइंट में। यही ये सेकंड पोजीशन देख रहे हैं फोक में, लेफ्ट हैंड के साइड्स। ये कहाँ पे होता है? आप जब प्राणायाम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, यहाँ पे अपने हाथों के बल यहाँ पे सपोर्ट करना है, प्लैंक कर रहे हो, तो यही पोजीशन आपको काम आती है एक्सरसाइज करने में। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, अपना फिटनेस रखो, पोजीशन साइंटिफिक मेथड से चेंज करो और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करो और निजी जीवन एंजॉय करो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो अभी टीवी स्क्रीन पर आपको डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसमें ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। कहीं पर भी आप डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।